दोस्तों वेलकम टू माय चैनल छोटा कैप्टन। मेरा नाम है विनय पवार। मैं मर्चेंट नेवी के रिलेटिव वीडियो बनाता हूं और आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो मर्चेंट नेवी में अभी जो ज्वाइनिंग का क्या प्रोसेस चल रहा है और ज्वाइनिंग का अभी जो फ्लाइट का इतने डिले भी हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि कोविड के केसेस ज़्यादा थे इंडिया में और बाहर की गवर्नमेंट भी जो अलाउ नहीं कर रही थी, पहले भी धीरे 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 करके जो अभी 14 जून को बोला था कि 14 जून को दुबई वगैरह की फ़्लाइट चालू हो जाएगी, बट क्या है कि कोविड की केस के वजह से 14 जून को फ़्लाइट चालू नहीं हुई। और उसके बाद में 21 जून के बाद अभी 18 साल से ज़्यादा है सभी को वैक्सीन भी लगना शुरू हो जाएगा और साथ के साथ जो भी भाई बंधु मतलब जहाँ पे ज्वाइनिंग करना चाहते हैं उनको पहले वैक्सीन लगा के उसके बाद में ज्वाइनिंग कर पाएंगे, अदरवाइज आप ज्वाइनिंग नहीं कर पाओगे। और जो भी RT-PCR है, जो कोई अभी मतलब एक और दूसरा भी सिस्टम आया जो रैपिड टेस्ट होता है वो भी होएगा अभी, मतलब ऐसा सिस्टम को सुनने में आ रहा है। और जो रही बात जो UAE की जो जितनी भी फ्लाइटें वगैरह है दुबई के लिए फ़्लाइट जो 6 जुलाई यानी कि फर्स्ट वीक जुलाई के फर्स्ट वीक में चालू हो जाएगी, 3-4 जुलाई भी सुनने में आ रहा है, मिनिमम 6 जुलाई तक का तो हो ही जाएगी क्योंकि बहुत दिन हो गए, मतलब इकोनॉमी भी डाउन हो रही है और साइन ऑफ भी नहीं हो रहे और बहुत लोग जो जहाज पे उनको बोरिंग फील हो रहा है, तो ऐसे करके और सभी को जॉब की भी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि वो जो वेसल पे है उनको अभी साइन ऑफ करना है, जो यहाँ पे है उनको साइन ऑफ करना है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी पैरर यूनिटी जिंदाबाद।